आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मध्य प्रदेश के रीवा में बस हादसे में 15 की मौत, 40 यात्री घायल। हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी बस। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर तंज, राज ठाकरे से कहा मुझसे आप कभी भी मिल सकते हैं। एशिया कप पर बीसीसीआई के फैसले पर ओवैसी का तंज, कहा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया आदेश, दिवाली त्योहार पर मिले निर्बाध बिजली। 3 दिवसीय दीपोत्सव का हुआ आगाज, मुख्य मंच के सामने बनाया जा रहा दीपों से राम मंदिर, लेजर शो बना आकर्षण का केंद्र। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर रहे, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अंत की ओर है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेता श्री कृष्ण दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार लोक हित में काम कर रही है। नगर निकाय का चुनाव आने वाला है, ऐसे में निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चलेगी और 2024 के इलेक्शन में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। बस इतनी ही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब अगर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया और उस पर कांग्रेस का नेता कोई ऐसा उपदेश देश के सामने प्रकट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अपने अंत की ओर है और ऐसे जो नेताओं के बयान हैं उस पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं अभी नए उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी को बताना चाहिए और श्री राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उस पर उनके विचार क्या हैं। यह तो देश की भावनाओं को आहत करने वाली भाषा है। अयोध्या में भव 3 दिवसीय दीपोत्सव के पहले दिन राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए बिछाने का काम अंतिम दौर पर पहुंच गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य प्रमुख अतिथियों के लिए निर्मित मंच के ठीक सामने राम मंदिर के मंडल को बनाया गया है, जिस पर दीपों को बिछाया जाएगा। दिए की जगमगाहट पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। दिए बिछाने के काम में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय समेत अन्य सामाजिक संगठनों के 22,000 वॉलंटियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी प्रतिष्ठा से हर चीज़, हर एक काम कर रहे हैं मोदी जी को खुश करने के लिए। इस बार तो मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ का तो उत्सव ही अलग है। अयोध्या वासी हैं तो ऑब्वियसली अयोध्या के लिए तो बहुत कुछ करेंगे ही, तो हम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। हम लोग का ये क्या कहते हैं, हम लोग का ये प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। हम लोग इसमें, हम लोग को शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, हम लोग की खुशकिस्मती है। अब मोदी जी आएंगे, अब यहाँ देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। 5 साल से हम लोग ऐसे ही दिए जलाए, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्योंकि वो आ रहे हैं। ये वाकई बहुत ही हर्ष की बात है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। ये दूसरी बार है, पहली बार जब वो राम जी का शिलान्यास हुआ था मंदिर का तब आए थे, और इस बार आ रहे हैं तो इस बार उनके आने की खुशी में हम लोगों ने 100x50 का राम मंदिर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसको हम लोग दिए से सजाएंगे, जो ऊपर से 3D इफेक्ट से पूरा राम मंदिर उभर के सामने आएगा। हम सब लोग तो 5 साल से ही दिया जला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। और अच्छा, हम सब लोग मतलब यहाँ पे तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन आज पहला दिन है और दिया लमसम में बिछ चुका है। 17 लाख पूरा दिया है वो लमसम में यहाँ बिछ चुका है, और कल जो बचा होगा कल बिछेगा, इसके बाद परसों दिया जलाएगा जब मोदी जी आएंगे, 17 लाख का बिश रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
प्रयागराज के कीडगंज में दिवाली के शुभ अवसर पर एक अनोखी पहल देखने को मिली है। बता दें मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए के मिश्रा प्रतियोगी क्षेत्र अमित झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों के पास पहुंचे और त्योहार को लेकर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही झुग्गियों में रहने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों को अमित ने त्योहार की खुशियां बांटते हुए चॉकलेट पटाखे वितरण किया। वहीं चॉकलेट और पटाखे देखकर गरीब बच्चों के चेहरे खिल उठे। इसके साथ ही डॉक्टर ए के मिश्रा ने पटाखे से होने वाले प्रदूषण के प्रति बच्चों को जागरूक भी किया। अजय कुमार मिश्रा मनोरोग चिकित्सक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। समय समय पे वो बच्चों के पास आते रहते हैं और हमारे जितने भी बेसिक नीड होती हैं उसको पूरा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दीपावली का पर्व आने वाला है, तो आज जो है डॉक्टर साहब ने इन बच्चों के लिए चॉकलेट और बच्चों केला जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चों को छुरछुरिया पकड़ जो है बताए हैं और दिए हैं और उनको जागरूक किए हुए। पटाखे के प्रति भी जो है डॉक्टर साहब ने जागरूक किया है कि पटाखे नहीं जो है जलाना चाहिए क्योंकि उससे विस्फोट हो सकता है, हाथ जल सकता है। हमें नशा नहीं करना चाहिए और जो हमारे बुजुर्ग के हमारे बड़े हैं जो वो नशा करते हैं उन्हें मना करना चाहिए। यह हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सर, हमें उन्हें समझना चाहिए और अपने बड़ों को रोकना चाहिए क्योंकि आज से लेकर आगे वाली जनरेशन यही सीखेगी क्योंकि अपने बड़ों से हम जो सीखते हैं जो बड़े करते हैं वही हम सीखते हैं वही करते हैं। क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली में मुझे अच्छा लगा कि मैं बच्चों के साथ आया, इनको अवेयर किया कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना है, दिवाली कैसे मनानी है, पटाखों के प्रति जागरूक किया और उनको बताया तो उन्होंने कहा नहीं पटाखे बड़े पटाखे या बम टाइप की चीज़ें नहीं बजानी चाहिए, छुरछुरी से जो छुरछुरिया से दिवाली सेलिब्रेशन करना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को सारी चीज़ें पता हैं और उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करके जो भी मैंने छोटा मोटा इनके लिए किया बट वो मुझे अच्छा लगा। दिवाली सेलिब्रेशन या कोई भी त्यौहार का सेलिब्रेशन अगर मैं इनके साथ करता हूँ तो मुझे एक अच्छी खुशी महसूस होती है। जो बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं मुझे बहुत दुख होता है जब छोटे बच्चे भीख मांगने किसी रेड लाइट या किसी जगह इकट्ठे होते हैं और कोई छोटे बच्चों को मैं हमेशा से कॉलेज टाइम पे मैं देखता था कि वो नशे का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। औरैया में इरवा कटरा क्षेत्र में धनतेरस दीपावली को देखते हुए सीओ एसडीएम और थाना अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च करते हुए भीड़ भाड़ वालों इलाकों से होते हुए सभी पुलिस अधिकारी थाने में पहुंचे। वहीं अवैध तरीके से आतिशबाजी बनने की खबर को लेकर खेतों में बने एक कमरे का ताला खुलवाकर तलाशी ली। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि जो भी आतिशबाजी विक्रेता प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बिक्री करे, इसके अलावा अगर कोई गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले अपराधियों का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अभी पुलिस बाकी बचे अपराधियों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये गिरोह प्लाज्मा से प्लेटलेट्स खरीद कर मरीज के तीमारदारों को मनमाने दाम पर बेचते थे। एग्जैक्ट डेट ये नहीं बता सकते हैं परंतु रीसेंट टाइम में अभी रीसेंट टाइम में जो डेंगू फैला है उसके उपरांत जो डिमांड बढ़ी है प्लेटलेट्स की अकॉर्डिंगली उसको जो इन्होंने गलत तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए इस तरह के काम इन्होंने किए। बिल्कुल इन पे कठोर विधिक रूप से जो भी चीज़ें बनती हैं उन पे सारी कठोरतम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन जुड़ेंगे। पवन, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी बीते दो दिनों पहले की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि डेंगू के मरीज को नकली प्लेटलेट्स चढ़ा दिया गया जिससे मरीज की मौत हो गई। हालांकि ये वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने आला अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया कि इस मामले को जल्दी से जल्द खुलासा किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीते कल प्रयागराज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है जहां पर डेंगू के कहर के बीच प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से जुड़े विभिन्न लैब और पैथोलॉजी में काम करने वाले 10 लोगों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। इनके पास से प्लाज्मा के पैकेट तथा जो है और कई चीजें, गाड़ियां, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी जो है कार्रवाई कही जा सकती है प्रयागराज पुलिस की। अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में
जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और सीएमओ डॉक्टर नानक सरन ने लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस गैंग का पुलिस लाइन में खुलासा किया है। जी मेरी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। अमेठी में कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बे में रामलीला मैदान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इला मारन जी ने निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटाखों की दुकानों को उचित दूरी बनाकर लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि अगर लापरवाही हुई तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दीपावली के शुभ अवसर पर रामलीला मैदान में हर साल एक साथ कई पटाखे की दुकानें लगाई जाती हैं। अस्थाई फटाका दुकानों का लाइसेंस दिया जाता है 3 दिन का फटाका बेचने के लिए। आज मेरे द्वारा थाना अमेठी अंतर्गत रामलीला मैदान में जहां दुकानों लगा जाते हैं वहां निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान मैंने दुकानों का जो नियमानुसार बीच में स्पेस होना चाहिए उसको भी करने के लिए आदेश किया है। अधीक्षक महोदय का यहाँ दौरा हुआ इस ग्राउंड में, जो दुकानों का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है कुछ दुकानों का स्ट्रक्चर मानक के अनुरूप नहीं है, तो उन दुकानदारों को उन्होंने निर्देशित किया कि एक दुकान से दूसरे दुकान की उचित दूरी बनाएं, जिससे पटाखा व्यवसाय भी आपका चलता रहे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से नागरिकों की भी सुरक्षा हो सके। अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र में एक महिला को उसके पति ने व्हाट्सएप पर 3 तलाक दे दी। बता दें महिला की शादी 18 दिसंबर 2018 को अलीगढ़ से ही हुई थी। महिला का आरोप है कि उसका पति ससुरालीजन दहेज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 10 लाख रुपए ना देने पर महिला का गर्भपात करते हुए कहा कि जब तक 10 लाख रुपए नहीं आते तब तक उसे मां नहीं बनने देंगे। इसी को लेकर आए दिन शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करते थे, जिसको लेकर पीड़िता न्याय की गुहार लगाने एसएसपी के कार्यालय पहुंची, जहां एसएसपी ने पीड़िता को हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो किस तरह की मांग को लेकर आई है? एसएसपी साहब आपसे बताया था कि व्हाट्सएप पे ऐसे 3 तलाक भेज दिया है, तो सर ने बोला कि इसके खिलाफ तो सीधा मुकदमा होना चाहिए क्योंकि बहुत गलत चीज़ है। तो कब भेजा ये मैसेज आपको? सर ये 1 जुलाई में भेजा था, 1 अगस्त में, फिर 1 सितंबर में। 3 बार भेज 3 बार भेज हो गया। ठीक है। ग्रेटर नोएडा में मनी ट्रांसफर की दुकान में घुसकर लूट करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी। बता दें कि बीते दिनों बदमाशों ने नॉलेज पार्क क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों से एक को पहले से लूट, मर्डर, हत्या का प्रयास के मामले में दिल्ली से जेल भेजा जा चुका है। खबर गोंडा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के विश्वनागा भटपुरवा गांव की है, जहां पर लाठी डंडों से लैस दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार को भी जमकर पीटा। दबंगों के हमले से परिवार के 2 लोग घायल हो गए। बता दें पीड़िता ने दर्जी कुआं चौकी पुलिस पर रिपोर्ट में बदलाव कराने का आरोप भी लगाया है और महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अपने खेत में टटिया गिर गई थी, वही लगा रहे थे, तो कहे कि क्यों गाड़ रही हो, तो हमने कहा कि देख लीजिए हम अपने माँ वैसे गाड़े हैं और कोई मनाए गाड़े हैं, और कई वैसे कहा था मुकदमा सुलह हो जाए, हमारे उनका मुकदमा चलते शायद ना सुलह हुई, तो बस हमारे लड़का जब हमारा वीडियो बना रहा तो हम छुअर के और हमें सबका मार के हमारे सास ज्ञानमती का और देखो हमारे पति हैं श्रवण कुमार और उनका मार के साहेब बेहोश कर दी। मैं बिल्कुल होश ना आए, पहले जानमा और जिंदा ना रहा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।